हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर टेक्निकल हुआ। आज हम बात करेंगे सैमसंग के फ्रिज के बारे में, जिसका जो लीटर है 192 लीटर है। जानेंगे इसकी प्राइस और देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला इसका अमेजिंग प्राइस जो आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाना चाहिए, और देखेंगे ऑनलाइन में ये कितने में पड़ता है और क्या प्राइस है क्या प्राइस नहीं है। और हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको हर चीज़ का, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का प्राइस जो आपको जेन्युइन पड़ने वाला है ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो और ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो। और जैसे कि आपने स्क्रीन पे इसका सब चीज़ देख लिया है, आपका डोर अपने हमने आपको दिखा दिया है, साइड सामने का जो प्रिंट है वो दिखा दिया है, साइड का जो कलर है वो दिखा दिया है, साइड का जो कलर है वो काफ़ी मोटा है, मैट कलर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा प्लेन नहीं है, ये मैट है। और पीछे के बारे में बात करें तो पीछे से आपको कोई भी ग्रिल नहीं मिलता है, कोई भी जाली आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है पूरा पैक पूरी तरह से ढका हुआ इस तरह का। कंप्रेसर में सिर्फ आपको खुला हुआ मिलेगा, नीचे साइड से जो कंप्रेसर है जहाँ पे आपको कंप्रेसर ठंडा होने के लिए एकदम ज़रूरी होना चाहिए वहाँ खुला हुआ मिलेगा। ये रहा सेकेंड साइड भी कुछ उसी तरह से पेंट किया हुआ, बिल्कुल ऑफकोर्स सब तरफ सेम जैसा ही पेंट रहेगा। तो सारी तरफ से जो देख लेते हैं, ये सारी साइड की इमेज है, सारी साइड की वीडियो है, ये आप देख लीजिए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है फ्रिज, तो मैं तो बोलूँगा ये आपको ऑफलाइन में खरीदने के लिए बेटर है। ऑफलाइन में अगर आप खरीद रहे हैं तो ये बेटर है। ये जो इसका जो लीटर है 192 लीटर का ये फ्रिज है, और जो ग्रॉस जो स्टोरेज वॉल्यूम है, जो अंदर का जो वॉल्यूम है, अंदर में जो स्पेस है वो है 183 लीटर ओनली। ये अंदर में अगर आप इसमें फील करते हैं तो 183 लीटर आता है इसके अंदर में, और पूरी जो फ्रिज की जो बाहर से पूरा जो नापते हैं तो 192 लीटर का ये फ्रिज कहलाता है। और बात कर लेते हैं इसके गारंटी की और वारंटी की, तो गारंटी तो इसमें मिलता है नहीं, इसमें मिलता है 1 ईयर का वारंटी और 10 ईयर का कंप्रेसर वारंटी। पीछे का जो मशीन रहता है, जो गोल्स आपको मैंने दिखाया जो ओपन है, उसकी मिलती है आपको 10 ईयर की वारंटी, और बाकी प्रोडक्ट बहुत ही बेटर है। अब देख लेते हैं फटाफट इसकी रेटिंग और मॉडल नंबर। रेटिंग इसका 3 स्टार ये रेटिंग है, सामने से मेंशन किया जाता है 10 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर। इसका जो मॉडल नंबर है वो है RR20R28ZCU/NL/2019। इसका ये मॉडल नंबर है, ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 15,200 तक में अवेलेबल हो जाना चाहिए, 15,200 ऑफलाइन मार्केट में। इसमें आपका स्टेबलाइजर फ्री है, मतलब कि स्टेबलाइजर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट स्टेबलाइजर है जो आपको 100 वाट कम से कम 100 वाट से लेकर के 130 वाट तक होना चाहिए, कम से कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 वाट में ये आराम से उठा लेगा। यूनिट की बात करते हैं तो वो 189 यूनिट उठाएगा पूरे पर ईयर, एक साल में 190 यूनिट उठाएगा ये एक साल में आपका। इसकी वजह से आपका बिजली बचत हो सकता है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसके ऑल ओवर प्राइस के बारे में, जो ऑनलाइन प्राइस है, तो ऑनलाइन में मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आपको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये आपको बड़ा साइज़ है, बड़ा चीज़ है, डिलीवर करने में भी टाइम लगता है। यहाँ पे मिलता है आपको छोटा सा सैमसंग का लोगो, बहुत ही प्यारा है, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और बात कर लेते हैं इसकी जो ऑनलाइन प्राइस है, मैं जो बताने वाला था अभी आपको, वो है 16,780 रुपया अमेज़न पे आपको ये मिलेगा। अमेज़न से आप अगर खरीद रहे हैं तो 16,780 रुपया, मैं तो कहूँगा इसको आप ऑफलाइन में ही खरीदें। जब भी कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप ऑफलाइन में खरीदें, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारी चीज़ें आप ऑफलाइन में खरीदा कीजिए, कभी कभी ऑनलाइन में प्रॉफिट होता है। मैं कह नहीं रहा हूँ ये चीज़ कि ऑनलाइन हमेशा आपको महंगा पड़ेगा, कभी कभी ऑनलाइन में भी प्रॉफिट होता है, मगर हमेशा आप इसको कोशिश किया कीजिए कि पहले ऑफलाइन प्राइस पता कर लीजिए और उसके बाद फिर ऑनलाइन खरीदिए, अगर आपको जैसा समझ में आता है वैसा कीजिए। ये रहा इसका कलर, ऊपर का साइड मैंने आपको दिखा दिया है। अंदर के बारे में बात करते हैं तो अंदर में मिलता है आपको 25 लीटर का फ्रीज़र, इसमें आप 25 लीटर भर सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाते हैं स्विच, ऊपर में अंदर में ही है, फ्रीज़र के बगल में ही जस्ट है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको स्विच जो मेंटेन करेगा आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर को, अगर आप ठंडे में है तो ठंडे का इन्वायरमेंट कर लीजिए, ठंडा कम ठंडा चाहिए तो फ्रिज के अंदर में, अगर कम टेम्परेचर चाहिए तो आप उसको गर्मी में कर दीजिए, ठंडे में कर दीजिए, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो उसको गर्मी मोड में कर दीजिए, समर मोड में कर दीजिए, उससे ये आपका ज़्यादा ठंडा करेगा, कूल करेगा। अब बात कर लेते हैं गेट में, जो आपका वो रैक मिलता है, जो भी आप बोल सकते हैं उसको, जो बॉटल रखने वाला जो साइज मिलता है वो कितना पीस मिलता है, एक
दो, ऊपर में आपको दो अंडे के मिलते हैं और एक लास्ट फाइनल मिलता है। तो टोटल इसमें आप 1, 2, 3, 4 रैक मिलते हैं, इसमें 4 रैक इसमें मिल जाते हैं। ये रहा फ्रिज का सामने का लुक। और अब हम बात कर लेते हैं कि अंदर में क्या मिलता है। तो अंदर में मिलता है आपको टफन ग्लास का प्लेट, जो भी आपको बोलेंगे रेक, जो भी आपका वो है, जो भी आप बोल दो यार, आई डोंट नो। तो वो टफन ग्लास में मिलता है, मतलब कि ग्लास और फाइबर दोनों मिक्स रहता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको सीरियल नंबर और मिलता है आपको हेल्पलाइन नंबर। तो जल्दी फटाफट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और अपने कंप्लेन को लॉगिन कीजिए अगर आपके फ्रिज में प्रॉब्लम आया तो, अन्यथा वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।